तो आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस अभी चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ के लोग जो है पूरे दुनिया का, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दुनिया के लोग इस वायरस को लेकर चिंतित है, इस वायरस को लेकर डर रहे हैं। और इसी डर से क्या होता है, बहुत सारा मिथ पैदा होता है। और ये मिथ क्या करता है, ये मिथ के कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों को बिलीव कर लेते हैं जो शायद उतना साइंटिफिकली ट्रू होता नहीं है। हम फैक्ट्स से दूर चले जाते हैं और वो मानने लगते हैं जो कि असल में शायद सच ना भी हो। तो इसी के कारण ये सब मिथ्स को डिबंक करने के लिए, ये सब मिथ्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आज मैंने ये एक वीडियो बनाया है। टोटल 15 मिथ्स जो आपने शायद सुने होंगे अपने नेबरहुड में, वो सारे मिथ्स को आज मैं एड्रेस करूँगा। अब मिथ नंबर वन है कि बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर्स और वेबसाइट्स भी ये कहते हैं कि अगर आप अपने ब्रेथ को 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे और उसके बाद अगर आप कोई चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस एक्सपीरियंस करते हो तो यू आर लाइकली टू हैव कोरोना वायरस। दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ, क्योंकि रिसेंट स्टडी में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कोरोना वायरस पेशेंट्स जो कि यंग हैं मोस्टली, वो लोग अपने सांस को 10 सेकंड से ज़्यादा होल्ड कर पाते हैं। नाउ ये क्यों हुआ, क्योंकि होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स एक्चुअली इंडिकेट दैट यू हैव नो फाइब्रोसिस इन द लंग्स। आपके लंग्स में कोई फाइब्रोसिस नहीं है, यही प्रूफ करता है। और फाइब्रोसिस क्या है, फाइब्रोसिस मतलब आपके लंग्स टिश्यूज में अगर कोई स्कार हो गया जिससे कि आपका एफिशिएंटली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, ऑक्सीजन लेके आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल नहीं कर पाते, इसी को फाइब्रोसिस कहा जाता है। स्कारिंग ऑफ द लंग टिश्यूज सो दैट यू कैन नॉट टेक द ऑक्सीजन एंड गिव अवे द कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है मेन फाइब्रोसिस का चीज़। नाउ होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स एक्चुअली मीन दैट यू डोंट हैव फाइब्रोसिस, लेकिन ये कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स है उसमें से फाइब्रोसिस इज नॉट रियली दैट मच ऑफ अ इंडिकेटिंग सिम्टम फॉर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो मेन सिम्टम है वो है हाई फीवर एंड परसिस्टेंट ड्राई कॉफ, इसीलिए दिस वन इज़ अ कम्प्लीट मिथ। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये वायरस एक सरफेस पे अप टू 1 मंथ तक रह सकता है। दिस इज़ अगेन अ कंप्लीट मिथ। वायरस मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स से लेके 9 डेज तक रह सकता है एक सरफेस में, इससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारे देश में ऐसा बहुत लोग है जिनको लगता है कि काउ यूरिन या गौमूत्र एक मैजिकल चीज़ है एंड अपेरेंटली ये सारे डिजीज़ों का क्योर कर सकता है। इस कोरोना वायरस के क्षेत्र में भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर सच बात तो यह है कि रिसर्चर्स को ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे कि काउ यूरिन को वो यूज़ कर सके एज अ क्योर फॉर कोरोना वायरस। ये बेसिकली एक इंडियन मिथ है। नाउ दिस इज़ द फनीएस्ट ऑफ ऑल द मिथ्स। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि सिंस चाइना पिछले साल नवंबर के आसपास अपना 5G नेटवर्क रोल आउट किया था और नवंबर के आसपास ही चाइना के वुहान में आपका कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तो एक्चुअली 5G नेटवर्क इज़ कॉजिंग कोरोना वायरस। नाउ दिस इज़ अ कम्प्लीट मिथ। नाउ मुझे पता नहीं लोग क्यों इसको मान रहे हैं। एक ट्विटर का अकाउंट है, किसका मुझे पता नहीं, उसका ट्वीट देखिए आप स्क्रीन के सामने ही है, लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो कोरोना वायरस, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ रेडिएशन पॉइजनिंग ऑफ द 5G नेटवर्क। मतलब कुछ भी, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ेगा कि ये मिथ है। ये मतलब कुछ भी है, ये एकदम आउट ऑफ लॉजिक है, सलमान खान की मूवी है ये। टू टेल यू द ट्रूथ, ये कोरोना वायरस के साथ 5G नेटवर्क का कोई संपर्क नहीं है। कोरोना वायरस एक नेचुरल वायरस है, 5G नेटवर्क एक नेटवर्क है, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक फेसबुक पेज भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप 5G UK यूनाइटेड किंगडम के लोगों का एक पेज है ये, जहाँ पे लोग बोलना चाहते हैं कि 5G बंद कर दो, कोरोना वायरस अपने आप बंद हो जाएगा। तो दिस जस्ट अ मिथ, जस्ट अ मिथ। तो अब आते हैं हम मिथ नंबर 5 पे। तो बहुत लोग ही क्या कर रहे हैं आफ्टर द कोरोना वायरस आउटब्रेक, वो लोग मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है थिंकिंग कि ये मुझे कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मास्क पहन रहे हो तो आपको जानना चाहिए कि वो इतना हेल्पफुल है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हो तो वो तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि सर्जिकल मास्क क्या होता है कि वो आपके माउथ के अराउंड में बहुत ही लूजली फिटेड रहता है जिससे कि बहुत सारा ओपन स्पेस क्रिएट हो सकता है, वो ओपन स्पेस से कोरोना वायरस आराम से ही आपके माउथ के अंदर घुस सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जिकल मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप N95 या N97 का भी मास्क पहन रहे हैं तो वो आप ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि आपको कंजेशन फील हो सकता है। N95 मास्क का जो
पोर्स है वो इतना ही छोटा होता है कि आप अगर ज़्यादा देर तक पहन के रखेंगे तो आपको कंजेशन फील होगा, और कंजेशन से आपका हेल्थ और भी ख़राब हो जाएगा। मास्क एक्चुअली किस लोगों को पहनना चाहिए? जो एक्चुअली डॉक्टर्स है या फिर नर्सेज है या फिर कोई भी लोग, कोई भी ऐसा हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर्स जो एक्चुअली वो कोरोना वायरस पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। सिक्स मिथ ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि वो कोई भी हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द वायरस इफ़ प्रेजेंट इन द हैंड, बट ये सच बात नहीं है। जो हैंड सैनिटाइजर होगा उसका अल्कोहल कंटेंट एटलीस्ट 60% होना ही पड़ेगा तो ही वो वायरस को मार सकेगा। और अगर आप घर पे हो, सिंस हम सब लोग ही क्वारंटाइन पीरियड में है, तो अगर आप घर पे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप सैनिटाइजर से ज़्यादा हैंड वॉशेज यूज़ कीजिए या फिर सोप यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे ये सिंस ये एक फार्मेसी चैनल है तो आपको पता ही होगा कि सोप का सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी है, और सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी से वायरस ज़्यादा जल्दी उठ सकता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक टेल एंड हेड रेस्पेक्टिवली। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अल्कोहल पीने से या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक अपने हाथों पे अप्लाई करने से वो वायरस मर जाएगा अपने हाथों में से या फिर गले से। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और अल्कोहलिक जो भी प्रोडक्ट्स होता है, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है, वो 40% के रेंज में होता है, और मैंने पहले भी कहा है कि 60% के ऊपर होना पड़ेगा कोई भी मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन अगर वो वायरस को मारना चाहता है तो। आठवां मिथ है कि एंटीबायोटिक्स कैन किल कोरोना वायरस। अब जैसे कि बहुत लोगों को ही पता है एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं करता, तो इसीलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट मिथ है कि कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेट्स टू ह्यूमंस। अब ये नहीं हो सकता, कोरोना वायरस एक ह्यूमन वायरस है, वो पेट से जाके ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो सिर्फ ह्यूमन से जाके ह्यूमन में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि गर्मियों का मौसम आते ही ये कोरोना वायरस डिसअपीयर कर जाएगा, कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोरोना वायरस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी आराम से अपने सिमिलर पेस में ही ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत वेबसाइट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, मे बी इन अ फ्यू मंथ्स, बट एज अ फार्मासिस्ट हम सबको पता है कि एक वैक्सीन जब पहला आता है तो उसके ऊपर बहुत सारे टेस्टिंग होना पड़ता है, और अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हो भी जाए तो भी उसका मास प्रोडक्शन करके सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ में देना, इट कैन टेक अप टू 18 मंथ्स। हाल ही में ये भी सुनने को आया है कि कोल्ड फूड आइटम्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एसेट्रा कैन कॉज कोरोना वायरस। ये अगेन अ मिथ, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी फूड आइटम से कोरोना वायरस हो सकता है ये कहीं पे भी कोई भी एविडेंस नहीं है, इसका कोई भी स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ है। तो आप सब कुछ ही खा सकते हैं, मेक श्योर दैट इट इज़ प्रॉपरली कुक्ड एंड प्रॉपरली वॉश्ड। 13th मिथ जो है कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ एल्डरली पीपल को ही अफेक्ट करेगा, जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा कम उम्र के हैं वो आराम से चिल मार सकते हैं क्योंकि उनको कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता। तो ये भी कम्प्लीटली मिथ है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ ये बात सही है कि ये कोरोना वायरस के कारण ओवर द वर्ल्ड जो एल्डरली पीपल है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, पर ये यंगर पीपल अफेक्ट नहीं होते ये कहीं पे भी नहीं बताया गया है। सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि यंगर पीपल भी अफेक्ट होते हैं, कम मात्रा में होते हैं लेकिन होते हैं। मिथ है कि अल्कोहल और क्लोरीन को अगर हम अपने बॉडी के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो कोरोना वायरस को मार डालेगा, विच इज़ अगेन रॉन्ग, क्योंकि अल्कोहल और क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है, उसको हम सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेट अप बॉडी के पूरे बॉडी के ऊपर हम डालना स्टार्ट कर देंगे तो वो बॉडी को हमारा हार्म पहुँचा देगा, बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो जो जगह पे है वो जगह को एकदम नष्ट कर देगा। आखिरी जो मिथ है कि कोरोना वायरस हमारे थ्रोट के अंदर, हमारे गले के अंदर 4 दिन तक रहता है, जिसके कारण सोर थ्रोट होता है या ड्राई कफ होता है, और अगर हम बहुत सारा पानी पिएंगे या फिर वार्म वाटर से गार्गल करेंगे अलॉन्ग विथ सॉल्ट और विनीगर, इट विल एक्चुअली एलिमिनेट द वायरस, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। हाँ ये बात सच है कि कोरोना वायरस एक्चुअली सोर थ्रोट करता है, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस इज ऑल्सो सोर थ्रोट, बट वार्म वाटर से गार्गल करने से सिर्फ हमको सोर थ्रोट से रिलीफ मिलेगा, वायरस से नहीं, वो वायरस को नहीं मारता, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जहाँ पे ये बोला गया है कि वायरस को मार देता है वार्म वाटर से गार्गल करने से।
तो इससे ख़त्म होता है आज का हमारा वीडियो 15 मिथ्स ऑफ कोरोना वायरस डीबंक। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जितने सारे ही मिथ्स आज यहाँ पे बताया, ये कुछ भी मैंने अपने खुद बनाया नहीं है, ये सब कुछ मैंने किसी ना किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया है। और सारे वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स डाल दूंगा। वन ऑफ द वेबसाइट्स यू नो, यू शुड नो, वो वेबसाइट को हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, जितने भी लोग आप जानते हो, क्योंकि सबको ये जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि कौन सा मिथ है और कौन सा फैक्ट है। जो मैंने पहले भी कहा है, आप लोग सेफ रहिए, अपने घर पे ही रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए जब तक ये वायरस अंडर कंट्रोल ना आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड आई लव यू ऑल।